सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत के पहलवान सुमित ने चीन में आयोजित वर्ल्ड पुलिस गेम में 97 किलो भार वर्ग की कुश्ती में ताइवान और कनाडा के पहलवानों को हराकर गोल्ड मेडल जीतकर देश प्रदेश का नाम रोशन किया है। अपने निवास स्थान पर पहुंचने पर परिजनों और खेल प्रेमियों ने सुमित का जोरदार स्वागत किया। सुमित ने बताया कि चीन में उनका क्वार्टर फाइनल मुकाबला जॉर्जिया के पहलवान से हुआ, जिसको 5-3 के मुकाबले हराकर आगे बढ़े। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला कनाडा के पहलवान से हुआ, जिससे वो 6-2 से पराजित कर फाइनल मुकाबले में उन्होंने ताइवान के पहलवान को 10-0 से हराकर गोल्ड पर कब्जा किया। सुमित के पिता जगत सिंह ने कहा कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है, उसने मेडल जीतकर गांव ही नहीं पूरे हरियाणा और देश का नाम रोशन किया है। सोनीपत से शाम वशिष्ठ की रिपोर्ट। आपके वहां मुकाबले जो है किन किन देशों के पहलवान से हुए, किसको कितने से हराया और आगे क्या तैयारियां रहेंगी? मेरा पहले दिन फ्री स्टाइल का मुकाबला था, जो कि हमारे इंडिया से पहलवान थे, वो डोपिंग में फंसने के कारण मेरे को ग्रीक रोमन और फ्री स्टाइल में दोनों में लड़ना पड़ा। तो फ्री स्टाइल में मेरा मुकाबला जॉर्जिया, रशिया, यूएसए और कनाडा से हुआ था, जिनको मैंने कुछ पहलवानों को अंकों के आधार पर और फाइनल मुकाबला मैंने चितपट के आधार पर जीता। और अगले दिन मेरा मुकाबला ग्रीक रोमन स्टाइल में था, जिसमें मेरे 4 मुकाबले हुए। पहला मुकाबला रशिया से हुआ, दूसरा मुकाबला जॉर्जिया से, तीसरा कनाडा से और चौथा मुकाबला मेरा ताइवान से हुआ, जिसमें मैंने ताइवान के पहलवान को 10-0 टेक्निकल फाल से कुश्ती में जीत कर विजय हासिल की। और दूसरा मेडल जीतने के दौरान आपने किसको हराया? दूसरे मेडल में ही मैंने ताइवान के रेसलर को हराया था और पहले मेडल में मैंने फाइनल में यूएसए के पहलवान को हराया। तो बड़ा ही संघर्षपूर्ण मुकाबला था, क्योंकि मेरे को दोनों स्टाइलों में कुश्ती लड़नी पड़ी। मेरे जो साथी पहलवान थे उन ना जाने की वजह से मेरे को दोनों मुकाबलों में लड़ना पड़ा, ग्रीक रोमन में भी, फ्री स्टाइल में भी। और आगे की क्या तैयारी? आगे की अभी हमारे क्वालिफाई राउंड चालू हो चुके हैं, तो इस साल के लास्ट में हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप है, जिसके भी हम टीम में जा रहे हैं, और 2020 में एशिया चैंपियनशिप है, उनकी तैयारी है। तो ये सारे नेशनल लड़े और हमारा एशिया चैंपियनशिप में जाके क्वालिफाई करें ओलंपिक के लिए, और ओलंपिक में देश को स्वर्ण पदक दिलाएं।